हर तरफ गार्डन ही गार्डन है। हेलो नोमैड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ स्पेन ओवरलैंडिंग ट्रिप। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक नया फ्लेवर मिलने वाला है आपको नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, क्योंकि हम हिस्ट्री, ओल्ड टाउन, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से मूव कर चुके हैं ऑन द कोस्ट ऑफ स्पेन। तो अभी हम हैं कोस्टा डेल सोल पे। ऐसे काफ़ी स्ट्रेचेस हैं अलोंग द सदर्न कोस्ट ऑफ स्पेन। सो कोस्टा डेल सोल में अभी हम हैं एस्टेपोना में, विच इज़ मोर राइटली कॉल्ड द गार्डन ऑफ कोस्टा डेल सोल, और क्यों वो आपको आज पूरे एपिसोड में पता चल जाएगा। तो देखते रहिए आज का एडवेंचर इन एस्टेपोना। हेलो नोमैड्स, वेलकम टू नोमैड सैम। और एस्टेपोना की एक खूबसूरत खूबसूरत मॉर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। लग रहा हूँ दूल्हे जैसा कि नहीं, आज दाढ़ी वाड़ी सब बनाई है, नहा भी लिया है किस्मत से। ज़रा एक्सप्लोर करते हैं इधर का, बहुत अच्छी जगह लग रही है। यहाँ खाना खाने के लिए रुक रही है। और ये देखो यार, एक और स्क्वायर, इतना खूबसूरत है यार, वाओ, जस्ट अमेजिंग। प्रिया, इस भूखे प्राणी को क्या खिला रही है तू? मैंने सिर्फ एक कर लिया तुम्हारे इंग्लिश ब्रेकफास्ट, सॉसेजेस, फ्राइड एग्स, मशरूम्स। चलो डन, आई हैव एन असाई बोल एंड आई हैव दिस राइट टोस्ट विद फ्रेंच ऑमलेट। देयर इज अ ह्यूज कंट्रास्ट बिटवीन माय ब्रेकफास्ट साइज एंड प्रियास ब्रेकफास्ट साइज, जस्ट चेक इट आउट बॉस। मैं एक स्ट्रीट नहीं, एक पोर्शन नहीं, एक स्क्वायर नहीं, पूरी की पूरी सिटी की बात कर रहा हूं। सब तरफ पौधे, फूल, पौधे, फूल। अनबिलीवेबल है यार, मतलब कम्प्लीटली नॉट एक्सपेक्टेड। बॉस क्या खूबसूरत जगह है यार, मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा टूरिस्ट से कुछ देखने को है नहीं, पर इतनी खूबसूरत जगह है, यू कैन स्पेंड योर एंटायर डे हेयर विदाउट गेटिंग बोर्ड। सब जगह लैंडस्केप गार्डन्स, फ्लावर्स, जस्ट ब्यूटिफुल पीपल चिलिंग, इट्स वेरी नाइस। आई मीन वॉट इज दिस प्लेस, इज दिस इवन रियल? आई थिंक मेरे को और सैम को ऑब्जर्व करने के बियॉन्ड अगर आपको कुछ टाइम मिला होगा तो आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ के पॉट्स तक कलर कोऑर्डिनेटेड है, एंड दैट आई हैड रेड ऑल्सो इन गूगल, कि आपने एक लेन देखी उसमें सब पिंक पॉट्स, देन देयर वाज अ रेड लेन, एंड नाउ दिस न्यू लेन दैट वी हैव कम इन इज ऑल ग्रीन पॉट्स। आई मीन टू से अमेजिंग। इधर आ रहे हो किसी एजेंडा के साथ मत आना, सिर्फ कम हियर फॉर अ गुड टाइम। दिस इज नॉट फॉर टूरिस्ट, दिस इज मोर फॉर लेजर। तो हम लोगों ने प्लान ऑल्टर करके एक दिन एक्सटेंड कर लिया था, बिकॉज हम लोग यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, थोड़ा रिलैक्स करने के हिसाब से, नॉट घूमने के हिसाब। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसी फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं करी कि कहीं बेंच पे बैठा हूँ मैं आज। तो ब्रेकफास्ट भी इतना अच्छा कर लिया, नए साल से पहले ही समय बदल रहा है हमारा। क्या बात है भैया, क्या बात है, बहुत मज़ा आ रहा है इधर। वैसे ये देखो सामने लैंडस्केप गार्डन, उसमें संतरे के पेड़, उस पर संतरे के पेड़, उसके बीचों में ये हमारे लिम्बू कच्चे वाले। आज तो ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड में चिल डे है। एक्चुअली ज़्यादा कुछ करने को है भी नहीं आइटनरी में अपने इधर, तो बहुत मस्ती कर रहे हैं, आराम से हैं, एकदम चिल मार रहे हैं, अच्छे से जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये इधर का फेमस क्लॉक टावर है, हर आधे घंटे में बजता है और सबको परेशान करता है। दिस प्लेस इज़ लाइक अ बोटानिकल गार्डन एट सिटी लेवल, हर तरफ गार्डन ही गार्डन है। अब वापस अमेजिंग प्लेस नहीं बोलूँगा, ये पूरी स्ट्रीट इतनी बजिंग है, इट्स द स्ट्रीट बिहाइंड आर होटल, और यहाँ पे दुनिया भर के लोग लाइंड अप हैं। आई थिंक सो आज फीस्ट है ऑल सेंट्स डे की, और तो इधर पूरे लाइट फाइट्स होने वाले हैं, रात को इधर आएंगे देखने के लिए इधर क्या रौनक है। बॉस इट्स अ सनी डे इन एस्टेपोना, हम लोगों ने मस्त मच नीडेड ब्रेक लिया, हम लोग थोड़ा सोए, दो ढाई घंटा और सोए, बिकॉज हम लोगों को थोड़ा रिचार्ज होना था। अब हम लोग गाड़ी कलेक्ट कर रहे हैं, और जैसे कि कल आप लोगों को पता, हम लोगों ने मार्बेला मिस कर दिया था बाय जस्ट मात्र 15 किलोमीटर, तो आज हम लोग मार्बेला जा रहे हैं और थोड़ा वहीं पे खाना खाएंगे। वहाँ पर एक पोर्ट, कौन सा है पोर्ट? पोर्टो जगह का बताता हूँ नाम आपको मैं बाद में। और ये रही हमारी जानी मैन। सो गाइज, हम लोग जा रहे हैं पोर्टो बोनस, जो कि है मार्बेला में, नाम हम तब भूल गए थे, और आज हल्की हल्की धूप है, अभी बिल्डिंग से ऐसा नहीं आ रही है, खुले में आएगी।
एंजॉय द जर्नी। कल काफी ग्लूमी डे था। सो गाइस मार्बेला इज कंसीडर्ड टू बी द प्लेग्राउंड ऑफ द रिच, है ना प्रिया? यस। और वो इससे काफी अप मार्केट माना जाता है, तो वी आर आल्सो वंडरिंग कि क्या अप मार्केट होगा, क्योंकि दिस टाउन सीम्स सो ऑपुलेंट, तो वो वाले टाउन में ऐसा क्या खास होगा। तो अभी जाके हम लोगों को वही तहकीकात करने जा रहे हैं, तहकीकात शेरलॉक होम्स की तरह। क्या कहती है दुबरिया? यस। आज मामले के तह तक जाएंगे। टोटली। बस एग्जिट आ गया है अभी। अब हम लोग बस प्योर्टो पानोस एंट्री मार रहे हैं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है भाई लोग, फ्री पार्किंग नहीं है, पैसे दे करके ले रहे हैं। पार्किंग हो गई, अब प्रिया हाथ ना आने वाली, अब वो पूरा पोर्टो पानोस के यहाँ पर चिथड़े निकाल देगी। बहुत खूबसूरत लग रहा है, अभी थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं। तो पहले ये बहुत खूबसूरत दिखता था, इसके ऊपर दो अच्छे अच्छे पाइनएप्पल होते थे, पर वो मैं खा गया प्रिया को देने से पहले। इस बेचारी को फोटो के लिए चाहिए था। 15 यूरो में खतरनाक पिनोकोलाडा है। हमारे बीच में, हमारे समक्ष में एक ही वर्जन है। ये देखो हीरोइन वापस ढूंढने बैठ गई भाई, इसको पत्थर, हम लोगों के पास सारे वर्ल्ड के पत्थर पड़े हुए हैं। ये जरा दिखा ना कितना अच्छा है, जेट ब्लैक है पर उतना अच्छा नहीं है। हाँ, शेप उतनी अच्छी नहीं है। डोंट डोंट डोंट, वैसे इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, बट आई थॉट इट वाज अ डिसेंट थिंग टू डू कि मैं इतना बड़ा सांड का बच्चा कैमरा बाहर ना निकालूं, तो मैंने अपने फोन के कैमरा से ही शूट कर रहा हूं। तो गाइज मैंने अपना कैमरा फाइनली निकाल दिया है। मैंने वहाँ पर इसलिए नहीं निकाला था बीच में, बिकॉज आई थॉट इट वाज नॉट अ डिसेंट थिंग टू डू। लोग वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज पोजेस में होते हैं, पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी जगह है। वाइब भी बहुत अच्छी है जगह की। और वहाँ पीछे देख रहे हो वो सारे अपार्टमेंट्स हैं अलॉन्ग द प्रोमेनाड। और हमारे खाने की लोकेशन है ये हॉट सनी बीच मार्बेला। क्या मूड बन गया यार इधर तो बैठ के, मैं नहीं हिलने वाला इधर से। सो गाइज हम लोग अभी लंच तो हमारा हो गया, पीछे एक लाइट हाउस है वहाँ पर, आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर वहाँ पर जा रहे हैं हम लोग। सोच रहे हैं कि सनसेट वहाँ से थोड़ा एंजॉय करेंगे, दिखाता हूँ। जब हम लोग इधर आए थे तो थोड़ी धूप थी, अब तो पूरा स्काई का कलर ही बदल गया बॉस, मतलब मेरे पीछे भी नहीं दिखाई देगा, अलग से उसके ऊपर फोकस करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई पूरा एकदम माहौल ही बदल गया इधर का, एकदम छाँव हो गई और कलर बदल गया। As I said, the rich and the famous live here. So, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप कार एंथुजियास्ट हो तो यहाँ पर गाड़ियाँ भी बहुत सेक्सी देखने को मिलती हैं। यहाँ बाइकें कम हैं कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ स्पेन। रेस्ट ऑफ स्पेन में जहाँ पर मैंने अभी देखा वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बाइक्स थी। मैं अनफॉर्चुनेटली कैप्चर नहीं कर पाया व्हाइल आई वाज व्लॉगिंग, बट बहुत अच्छी बाइक्स थी। यहाँ पर कार्स बहुत अच्छी। तो भाई लोग फाइनली अभी जेटी पे आ गए हैं। ये वाली स्ट्रीट भी बहुत अच्छी है, द अप्रोच टूवर्ड्स दैट प्लेस। एक बड़ा मस्त शिप सा था, दैट्स अ रेस्टोरेंट। यहाँ पर भी एक शैक जैसा बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। वॉक लग रहा है बहुत अमेजिंग होने वाली है। और यहाँ पर पूरा मरीना दिखाता हूँ, पूरा मरीना है, पूरा लाइट हाउस, चिंगूस। क्या व्यू है बॉस, मुंह से झागना निकल जाए, नाम बदल देना। पैनोरामिक व्यूज ऑफ द सी, हर तरफ से सी दिख रहा है, अनबिलीवेबल। हम लोग राम सेतु पे चल रहे हैं, राम सेतु। यार स्काई के तो कम्प्लीटली कलर्स बदल ही रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत होते जा रहा है एज द डे इज प्रोग्रेसिंग ना, बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं कलर्स। यहाँ की वाइब भी बदल रही है, म्यूजिक भी लाउड हो गया है थोड़ा, पूरा शहर में ऐसा लग रहा है म्यूजिक ही बज रहा है, अमेजिंग है। एज आई सेड द रिच एंड द फेमस लिव हियर। और हम लोग मरीना की तरफ चल रहे हैं अभी,
मरीना की वाइब तो और ही अलग ही लीक किया बॉस। यहाँ पे स्काई के कलर भी एकदम ब्यूटीफुल हो चुके हैं, शाम हो चुकी है तो थोड़ा यहाँ बोट्स वगैरह भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं कैप्चर करके आपको दिखाता हूँ। सो द लैम्बोर्गिनी हुरकान, सो दिस प्लेस हैज गॉट अ ग्रेट वाइब, आप लोगों ने देख ही लिया है। एंड यहाँ पे यॉच पार्क है, लोगों की अपनी सुपरकार्स हैं। दिस इज द लाइफ मैन, दिस इज द लाइफ। भाई लोग, अगर मैं गलती से इधर रह लेता तो जो हम लोग का अशरगिया दे रहे हैं ना ब्रेकफास्ट के लिए, वो सब यहीं पे छोड़ के जानी पड़ती और मैं वन ऑफ दीज यॉट्स पे काम कर रहा होता घर वापस जाने के लिए। इट्स लाइक रियली 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 एक्सपेंसिव है टू स्टे ऑल्सो, बट इट्स नाइस। रह लेते थे लेकिन यहाँ पर खाना वाना भी बहुत महंगा है भाई साहब। इधर तो कॉनिकसेक का हाइपर कार का शोरूम है बॉस। दे हैव दीज कार्स, हाइपर कार्स, दिस इज ऑल इन कार्बन। दिस वन इज ऑल्सो अमेजिंग है, अमेजिंग इंटरेस्ट। तो अब प्रिया भी थक गई है, मैं भी थक गया हूँ। यहाँ का हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया है। इट वॉज अ वेरी 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 गुड टाउन और डेफिनेटली आना जब भी आओ मार्बेला पे। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत रिच है, बहुत अच्छी है एंड काफ़ी क्लासी है। तो अभी यहाँ से रैप अप करते हैं, फिलहाल हम वापस जाते हैं अपने होटल की तरफ, गाड़ी पिकअप करते हैं, हमारी भी तो गाड़ी है इधर, लूसिफर। आई होप आप लोगों को मार्बेला की खूबसूरत खूबसूरत शाम हम लोगों के साथ पसंद आई होगी। मैं अपने होटल में वापस आ चुका हूँ, कल यहाँ से निकल रहा हूँ। कल का भी सरप्राइज़ है, हम लोग दूसरी कंट्री में एंटर करने वाले हैं जो कि बड़ी खास है, जो कि है जिब्राल्टर। तो वहाँ पे भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ पे भी रात को रुकने वाले हैं। यहाँ से हार्डली 40-50 मिनट की दूरी पे है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं पहुँचने में, तो ज़्यादा टाइम मिलेगा एक्सप्लोर करने को। तो ऑन दैट नोट आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इफ़ यू लव द वीडियो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, इन फैक्ट डोंट हिट द सब्सक्राइब बटन, स्मैश इट।